जी नहीं देख सकते, बचिया भाग गई है और फुल टाइम भाग रही है ये धनाधन। और व्यापारियों ने फुल पकड़ने की इसको कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं पा रहे इसको, ये देखें। और ये लोग आ रहे हैं पकड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू कराची कैटल इन्फो। और आज 17 जून 2021 का दिन है और क्या नाम है, मैं सुराब गोड मवेशी मंडी मौजूद हूँ। और माल देख सकते हैं आप किस तरीके से भर चुका है, चारों ओर आपको माली माल दिख रहा होगा। और मैं ये कौन सा ब्लॉक है यार, ब्लॉक पता है, ब्लॉक जी, ब्लॉक नंबर पता है? नहीं। ये ब्लॉक नंबर इनको तो नहीं पता। बहरहाल अभी इसकी प्लाटिंग हुई भी है या नहीं हुई है मुझे भी ये भी नहीं पता। ये देखें इस वक्त चारे पानी का टाइम चल रहा है, बिल्कुल मगरिब होने वाली है। थोड़ी देर पहले हल्की फुल्की बूंदा बारिश भी हुई है और ये पानी का वो टप आगे किए जा रहे हैं और ये भूसा खा रही हैं सारी बछड़ियाँ। तो अब मैं मालिक से इनके पूछता हूँ कि रेट बताने में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो मैं उनसे पूछ के अभी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? खुदा भाई नाज़रीन, ये माल खड़ा हुआ है कुछ, लेकिन ये मतलब कुछ भाइयों की जो ख्वाहिश होती है, दरख्वास्त होती है ये कि थोड़ा बड़ा माल दिखाए, तो ये वो है। थोड़ा सा हटना, मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ बाद में। तो ये इस तरीके के ब्राउन एंड वाइट कलर का प्रिंट है, आप पीछे से देख सकते हैं किस तरीके की बछिया है। ये बैग इसका देखे, ये बैग है। तुम्हारा नाम क्या भाई? शहबान अली। शहबान अली जी। तुम कराची गई हो? जी हाँ। अच्छा, तो ये कितने दांत में बछिया है? ये 2 दांत का है। 2 दांत है जी हाँ। पक्की बात है? पक्की बात है। क्या मांग रहे हो इसके? इसके 5 लाख। 5 लाख मांग रहे हो जी? इस वाले के क्या मांग रहे हो? इसके 4.5। इसके 4.5 मांग रहे हो? आओ अंदर आओ। ये बछड़ा जो बहुत बड़ा सा बैठा हुआ है, इसके ये 6 लाख का है। 6 लाख? चलो माशाल्लाह, 5 लाख 6 लाख तो ऐसे बोला जा रहा है, रेट ही नहीं है ना भाई, रेट है ना जो खा रहे वो भी तो हिसाब लगाओ। चलो बताओ, ये बताओ इसका, बताओ इसके 5 लाख। इसके 5 लाख? सबसे सस्ता जानवर कितने का, तुम ये बताओ। अब सस्ते वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे। अरे तो भाई आखिरी कोई होगा तो 3 लाख 2 लाख 1 लाख 3 लाख का कहाँ है वो? ये खड़े में आओ। चलो देखो भाई नाज़रीन, इनके पास सबसे आखिरी जानवर भी 3.5 लाख रुपए का है और इससे नीचे का जानवर नहीं है। मैं आपको दिखाने जाऊँ जरा, ये 3.5 लाख का भी कौन सा मांग रहे हैं, कौन सा 3.5? ये वाला जानवर 3.5 लाख का है जी हाँ। लेकिन ये पहले तो मिल जाता था जैसे 180 190 2 लाख रुपये में, नहीं है वो? नहीं मिल रहे ना भाई, अब नहीं मिल रहा। तो अब कितने में मिलेगा ये? यही तो बोल तो रहा हूँ आप, 3.5 तो बोला है ना, मतलब देने का क्या इरादा है तुम्हारा? जैसे 3 में इससे नीचे नहीं होगा? नहीं। अच्छा, इसका पेट तो इतना झोल रहा है, बाकी गोश इतना नहीं झोल रहा है। बच्चे दे चुकी है ये गाय ना? नहीं नहीं, बच्चे नहीं दिए। अच्छा, 4 दांत है जी हाँ। सही। और कौन सा कोई अच्छा जानवर देखो इस बछड़े का, बताओ खड़े हुए आप देख लो इस बच्चे का, बताओ इसके 5 लगा दो। इसके 5 लाख रुपए? 5-6 लाख तो तुम ऐसे बोल लो ऐसे बिल्कुल ही यकीन मानो, 5-6 लाख रुपए कमाए नहीं आते अभी अभी, मतलब जैसे या तो बैंक से ले आएंगे लेकिन, या तो दरख्त उगा लिया सुराबगढ़ मंडी के बाहर है क्या? नहीं, मेहनत खा रहे हैं भाई, ऐसे फ्री में थोड़ी बन रहे। 5 लाख रुपए खा गए तो नहीं खाएंगे क्या? मुझे तो नहीं लग रहा 5 लाख रुपए खाए इसमें हैं। 5 लाख वाली चीज तो नहीं लग रही मुझे। 5 लाख वाली चीज तो टेंट में होती है, खूबसूरत सी सफेद कलर की चमक रही होती है, अंदर से पिंक झलक रहा होता है। आज आज उतरे इनको साफ। अच्छा, अभी डबल हो जाएंगे, अभी डबल हो जाएंगे ना, आधे से ज्यादा लोग बताओ व्यापारी क्या बोल रहे हैं। 3 लाख का जानवर आज उतरा है, अब वो 3 दिन बाद आना वो डबल हो जाएगा, 6 लाख रुपए का हो जाएगा आराम से, है ना? हो जाता है ऐसा? ये क्या जादू की छड़ी लेकर आयो? सफाई होगी तो चमकेगा ना भाई, चमकेगा तो रकम नजर आएगी। डबल कैसे होगा ये तो बताओ, जैसे 3 मन का बच्चा 6 मन का कैसे हो जाता है? खाएगा नहीं क्या? खान मैं चलो एक जानवर तुम्हारे पास लाके छोड़ता हूँ, तुम उसको वो 3 मन का होगा ठीक है, फिर 3 दिन बाद तुम मुझे दिखाना है कि वो 6 मन का हो जाता है या नहीं होता। हो जाएगा, हो जाएगा उस्ताद, ये तुम्हारा पेट थोड़ी है भाई, ये जानवर का पेट है। यकीन मानो जानवर को तुम्हारे से ज्यादा सोच समझ है, खाने पीने में वो परहेज कर लेगा जितना तुम तो दिमाग ही नहीं चला रहे ना जानवर का रेट बताते हुए। यकीन मानो देखने वाला दिमाग घूम गया उसका, सही सही देखने वाले का ना दिमाग घूम गया। अभी वो मेरे को पता नहीं किस किस तरह का कमेंट करेगा ये कि इसे ऐसे बंदों के पास जाए ही नहीं करो, रुका ही नहीं करो। अच्छा। और भाई जब इतना दाम बोल रहे तो आप रुका ही क्यों ऐसे बंदे? वो ये बोलेगा कि 6 लाख वाली चीज नहीं है तो 3 लाख वाली चीज है, तुम क्यों सुन रहे हो 6 लाख? तुम उसको वहीं पे बताओ, आपको बता देना। नहीं मैं तुम्हें बता रहा हूँ लोगों का क्या रवैया आएगा इसमें। सही 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 है, नाराज तो नहीं हुआ किसी बात से? नाराज करने आया भी नहीं था भाई, तुम्हें पता है मस्ती मजाक चल रहा है तो मैंने आपको थोड़ी असलियत भी दिखा दी और बाकी मस्ती मजाक भी हो गई हमारी है, इसलिए मैंने आखिरी में पूछ भी लिया, नाराज नहीं हुआ ना? सही है, बाकी सब खैर है। चलो यार इजाजत है आपकी तरफ से, अब अगले में जाते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल इनिशियल पट्टियों में खड़ा हूँ जहाँ पे मतलब ये कैटल लगाए जाते थे, और किस तरीके से कैटल फार्म की संगे बुनियाद रख दी गई है, और बल्कि ये तो छत है, और इसको मतलब आप देखें किस तरीके से इन लोगों ने एक वो तैयार किया है रैम टाइप का,
और इसको ऊपर चढ़ाया जाएगा, और ये चेने वगैरह बांध दी हैं और इसको ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं इस छत को, और इसके ऊपर अब लाइट ही लाइट लगेगी। ये देख सकते हैं आप, इनके मजदूर काम कर रहे हैं, और ये इस तरीके से चेने बांधी गई हैं, और इसको जब खींचेंगे ये सारी चेनों को अलग अलग जगहों से हर बंदा, तो फिर ये छत ऊपर चली जाएगी इनकी। आप ये देख सकते हैं कैटल फार्म का आगाज़ भी स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द, तो मतलब कैटल का माल भी आने वाला है। और इस तरफ भी देखेंगे कोई कैटल है, बल्कि यहाँ पे तो लाइटिंग अभी नहीं दिखाई दे रही, इस तरफ वाले में लाइटिंग भी स्टार्ट हो गई, मैं आपको दिखाता हूँ लाइटिंग जाके। ठीक है, ये देखें इसकी छत भी ऊपर, आधी छत ऊपर खींच दी गई है, बाकी इन लोग बाकी ये लाइटिंग वाइटिंग करके पूरी ऊपर खींचेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं लाइटें पूरी लगी हुई हैं, और ये कैटल फार्म की पट्टी है पूरी। बाकी इन लोग अपना ये बारिश से बचाव के लिए हर जगह ये बांधे जा रहे हैं प्लास्टिक। आगे बढ़ते नाजीन, ये मैं एक फार्म में मतलब इस तरह का टेंट तो है ये, मतलब कैटल फार्म नहीं है जो प्रॉपर होता है वो वाला, लेकिन हाँ कुछ टाइम लगेगा। अच्छा नहीं तो ये मतलब इसमें लाइट वगैरह सब लग जाएगी। हाँ इंशाल्लाह, ये अभी तकरीबन ये हफ्ता लगेगा। किस नाम से आपका अपना कैटल फार्म है? हाँ। अच्छा, ये जानवर भाग गए? ये इधर ही आसपास होगा, कहीं जाएगा। अच्छा भाई, नाजीन वो देख सकते हैं एक बच्ची अब आगे, बल्कि आपको दिख भी नहीं रही होगी, ये अब लोग भागेंगे, वो फासले में खड़ी होगी अगर नजर आ रहा। हाँ चले, मैं इसको थोड़ा दिखाऊं पहले। नाजीन ये बछिया वो भागते हुए दिखाई दे रही है आप लोगों को? नहीं दिखाई दे रही होगी, वो असल बात है घुस गई है, मैं आपको दिखाऊं जरा। ये देख सकते नाजीन, ये देख सकते हैं बछिया भाग गई है और फुल टाइम भाग रही है ये धनाधन, और व्यापारियों ने फुल पकड़ने की इसको कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं पा रहे इसको, ये देखें। और ये लोग आ रहे हैं पकड़ने के लिए, और नहीं आई है किसी के हाथ में, सब बोलना आराम से पकड़ लो इसको। ये पकड़ लिया और ये मछिया बहुत डर रही है, ये देखा पाँव में इसने रस्सी लटका ली, और ये मजीद, और अब ये लेके जा रहे हैं, पकड़ में आ गई, बहुत तेज निकल ली थी। चले यार, ये भाई के पास मौजूद थे अभी, इन्होंने भी बोल रहे थे। आप कुछ मशवरा? अच्छा, चाचा से मशवरा करूँ? चाचा कुछ आपको माल के रेट के बारे में? और चाचा खैर है, क्या तैयार हो रहे हो क्या? क्या करें भाई, अभी अभी माल उतारे है? हैं, कितने देर हो गई? 4-5 दिन। अच्छा, आपका 4-5 दिन हो गए, ये तो बोल रहे अभी 20 मिनट पहले आए हूँ। आप 20 मिनट पहले आए हो, ये पहले से आए हैं? सही है भाई, इन्होंने एक टेंट के नीचे जानवर खड़े किए हैं। ये भाई से पूछ लेता हूँ, अभी चाचा को तैयार होने दो, ये इनकी एक बच्चिया मुझे थोड़ी समझ आई है। ठीक है नाजिन, ये देख सकते हैं ये बच्चिया किस तरह की है, बिल्कुल सफ़ेद है, और मतलब ये छीना कहलाएगी मेरे ख्याल से। और आप इसका बैग देखें, बैग किस तरह का है, मैं इनका माल दिखा दूँ फिर एक दो के रेट पूछ लेंगे। ठीक है, ये लाल वाली बच्चिया देखें किस तरह की है, ये वाली लाल बछिया देखें किस तरह की है। अभी वैसे उस बछिया ने मज़ा करवा दिया, भागी थी, यही सब मंडी का मज़े होते हैं, पूरा साल में तफरी जो आ रही होती है। ये चौथी बछिया, माशाल्लाह सारी अपनी मिसाल आप हैं, और अल्लाह ताला ने एक से बढ़ के एक हुस्न दिया हुआ सबको, और किसी चीज़ की तारीफ़ करना इसका ये मतलब नहीं होता, ये कि मैं किसी के रेट में नाजायज़ अगर कोई बोलेगा तो मैं चुप बैठ जाऊँगा, मैं उसको बिल्कुल सीधा सीधा जवाब देने की अहलियत रखता हूँ और दे सकता हूँ, लेकिन किसी की चीज़ की तारीफ़ बनती है और अल्लाह ताला की तारीफ़ बनती है, और उनके मतलब बनावट और जो उनकी क्रिएशन है उसकी तारीफ़ बनती है, तो उसमें कोई मजायका नहीं है तारीफ़ करने में। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात याद आ गई मुझे यार, एक लड़का बहुत अरसे से मुझे कमेंट में मैसेज करता रहता है, और माशाल्लाह हर वीडियो देखता है मेरी, हुज़ैफ़ा वीलॉग्स के नाम से उसका चैनल है, आप वो भी सब्सक्राइब भी कर दें और बहरहाल उसको देख भी लीजिएगा। और भाई हुज़ैफ़ा भाई, आपका नाम ले लिया मैंने, ठीक है, आप नाराज़ हो रहे थे और मैं बार बार भूल जा रहा था, और आज भी तकरीबन भूल गया था, एकदम एंड में याद आ गया। चलो इससे एक पूछ लेता भाई, एक मिनट के लिए इधर आओगे आप? ये जैसे सफ़ेद वाली है, इसका आप जब रेट लगाओगे, अभी जैसे आप बता रहे हो आप तो अभी अभी उतरो, तो ये क्या लगाओगे अंदाजन? अंदाजन ये होगा 2-2.25 करोस है। अच्छा, और जैसे दोगे कितने में, मतलब अगर कोई एक से एक के उस पे लगाएगा, दो से नीचे नीचे तो बनेगा? नहीं, ये दो से नीचे तो मुश्किल है बने। अच्छा, मुश्किल है। मुश्किल है, हाँ।
मतलब मेरा कहने का ये मकसद है, कोई 150 लगाएगा, 160 लगाएगा, 170 लगाएगा तो नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, ये तो बहुत नामुमकिन सी बात हो जाएगी ना, क्योंकि आगे भी हम लोगों को इसके ऊपर बहुत मेहनत करना। अच्छा, पड़ता है। ये पाला था, खरीदा है अभी? नहीं, तो ये तो अभी खरीदा गया है ना। अच्छा, तो जिसने पाला होगा उसने भी जाहिर सी बात मेहनत किया होगा। सही तो सही, सही। अपने या आपने 2-3 महीना पहले खरीदा होगा ना? हाँ, तो इसको हम लोग भी थोड़ा हाथ लगाएंगे, तो इसको जो है जैसे हम लोग लाते हैं तो ऐसे हम लोग भी जो है खड़े नहीं करते हैं, जो है बस इसको बस बेचना है। मतलब पालते हो, खाना वाना खिलाते हो, बनाते हो, तो इसका सेहत बनाते हैं। सही, देखते हैं कि इसके कौन सी जगह कमजोरी है। सही सही, उस कमजोरियों को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद जो है फिर हम लोग इधर लाते हैं। सही 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 सही, थोड़ा अच्छे से पालने की कोशिश करते हैं, खुराक खिलाते हैं, ताकि हम लोग बोलते हैं ईद तक तैयार हो जाए। सही, आपका नाम क्या? पहलवान खान, इबादुर रहमान। पहलवान खान कराची की रहाइश है क्या? कराची की रहाइश है। वैसे क्या मादरी लैंग्वेज क्या है? माजरी नहीं, नहीं महाजर होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कि मादरी लैंग्वेज क्या है? मादरी लैंग्वेज अफगानी है। अफगानी है? नहीं, उर्दू माशाल्लाह बहुत साफ थी इसलिए मैंने पूछ लिया, वरना तुम पैदाइश मेरी पाकिस्तान की, पाकिस्तान के में ही बड़ा हूं ना, वरना ज्यादातर लोग जो मंडी में मौजूद होते हैं ना उर्दू उनकी मतलब बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को तो समझ भी नहीं आती है, लेकिन आपकी उर्दू मतलब बिल्कुल मुझे साफ लगी तो मैंने पूछ लिया। ठीक है, मतलब ये 2 लाख सुपर के देने का मूड है ये आप कह रहे हैं? क्या नाम क्या बताया सर आपने? पहलवान खान। पहलवान खान, एक का और बता दो फिर मैं आपसे इजाजत ले लूंगा। कौन सी? उस साइड से आपकी वीडियो बना ले, इस तरफ। हाँ, ये जो दो खड़ी हैं उसके। भाई नाजीन, इन्होंने खुद रिक्वेस्ट की कि ये वाली देख लें, तो मैं ये देख लें। तो यार ये गाय है क्या? हाँ। मतलब बच्चे दे चुकी है ये? नहीं, बच्चे नहीं थे। अच्छा, सही। तो ये कितने मन में होगी? यार ये होगी तकरीबन, यार अंदाजन वजन का हिसाब अंदाजा नहीं। सही, चलो ये तो मैं लगा दूंगा, या तो देखने वाले खुद लगा लेंगे, आजकल सब होशियार है। अंदाजा हो जाए भाई नाजिन, ये खुद मुड़ गई, अल्लाह का शुक्र है, वरना मुझे उधर जाना पड़ता। भाई बैग भी देख लें इसका, वो टैप टैप करके आप खुद ही वजन बता दें कि इसका वजन क्या होगा। भाई वो खुद पे जान जाएंगे यार, वरना हमारे से भी बुरा मान जाते हैं। हम लगाते ना, वो बोलते आपने कम लगाए। नहीं नहीं, अभी तो जो सामने आपने ज्यादा लगाया, कमेंट में बताए ना, वो जो है कमेंट करके। हाँ, यही मैंने कहा कि आप लोग खुद अंदाजा लगा लिएगा, जो देख रहे कमेंट बताए कि हाँ वो कितना है, उसको अंदाजन कितने का लग रहा। सही है ये, कि वैसे आपने आप चलो दिखा रहे हैं लोगों को कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपको जो है आपकी गुंजाइश में कितने का माल पड़ना चाहते हैं, तो आप जो है इसीलिए आए हैं, चक्कर लगा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो। हाँ। इसीलिए मेहनत कर रहे हो ताकि उन लोगों को पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया, तो वो आपको जो है बैक कमेंट करे तो आपसे कुछ मशवरा। सही 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 सही, तो इसीलिए मैं भी यही कहना चाह रहा था, इसीलिए मैंने बोला आपको जो है, मैंने बोला आप इससे। अच्छा, एक बात तो बताओ, इसका क्या रेट लगाया तुमने? इसका जो है अभी भाई ने जो लगाया था तकरीबन 2.35 का लगाया था। और ये कहा बनेगी, 2 के ऊपर नीचे? 2 के आसपास ही बन जाएगी, 2 के करीब पर या ऊपर होगी। यार वैसे एक बात पूछूं भाई, इस बार रेट बहुत ज्यादा नहीं है यार? यार इस बार जो है ये कोरोना का जो है चक्कर बहुत खराब कर दिया ना इंसान। वो तो लेकिन पिछले साल भी था ना? पिछले साल तो था, लेकिन वो शुरू में आया था ना, शुरू में जो इतना जो बंदे को फटीक नहीं पड़ी, पता नहीं चला था। अभी पूरा साल नुकसान उठा के बैठे साल जो है हम लोगों को जो है इसके पीछे हम लोग कितना ख्वार होना पड़ा, हम लोगों को जो है कि राशन की बोरियों के पीछे भी हम लोगों को जो है पता नहीं कितने को बार मेहनतें करनी पड़ी। अच्छा, आप यहाँ के ओनर हो, मतलब ये जानवर आपके ही है? तकरीबन जो है मैं शेयर है, बस ये ऐसा समझो कि अपना जो रिश्तेदार है ना। हाँ। तो इसलिए जो है उसने बोला कि आप अगर काम करना चाहते हो तो आप हमारे सही 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 जान पहचान है, इधर मंडी में जो है चोरी वगैरह अक्सर ज्यादा होता है। बोला अच्छा, हुआ है कभी ऐसा कोई सीन हुआ है चोरी वोरी का? इधर तो बहुत सीन होता नहीं, है नहीं आपके साथ हुआ है कभी? बाकी तो हमने भी सुना है, इधर जो जिसके साथ मैं आया हूँ उसके साथ कुछ बार हुआ है। अच्छा, एक दो बार हुआ है। भाई नाजिन, भाई बहुत अच्छा है बात करने में, इसलिए मैंने थोड़ी लंबी बात कर ली, वरना आपको पता है मैं जानवर दिखा के आगे बढ़ जाता हूँ। बहरहाल इसके जानवर भी बहुत अच्छे, और अब ये है कि रोशनी का टाइम खत्म हो, माल दिखाना चाहते हो तो वो सामने खड़ी, वो मैं इंशाल्लाह आऊँगा आपके लिए। ये आप देख सकते हैं, ये सारा माल, सारी बच्चियाँ इनकी है, और माशाल्लाह सब अच्छे हैं, और रेट आपने मुलायजा फरमा लिया। बहरहाल मैंने इस भाई से बार्गेनिंग नहीं की, इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा छोड़ो यार इनको क्या तंग करना। बाकी बार्गेनिंग करने में वैसे आप सब भी माहिर हैं, आप लोगों को अगर जिसमें समझ आ रहा हो आप आके ले लीजिएगा। कौन सा ब्लॉक है ये? तकरीबन ये जो है सुपर हाईवे तक, नहीं नहीं सुपर हाईवे तो, चलो मैं खुद इसका बता देता हूँ निशानी। भाई ये PIA सोसाइटी है, बिल्कुल सामने आपको दिख रही होगी, उसके 3 पिलर दिख रहे होंगे, सब ऊपर लिखा हुआ, इसके बिल्कुल ये अपोजिट खड़े हुए टेंट लगा के नीचे बैठे हुए। अगर किसी को माल समझ आया हो तो वो आगे देख सकता है। ठीक है भाई, जजाक अल्लाह, मेहरबानी।